देखो भाई दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ ये एक कटहल का पौधा। लगभग देख रहे होंगे आप, अगर मैं इसको ज़मीन पे रखूँ तो मेरी जेब तक आ रहा है, मतलब कि ये 4 फुट से थोड़ा ज़्यादा ही है। अब बात करते हैं कि ये मैं कितने का लाया। ये मैं लेके आया हूँ 350 रुपये का। सुनने में काफ़ी महंगा लग रहा होगा, परंतु जायज़ रेट है, क्योंकि सही टाइम पर लगाना भी बहुत ज़रूरी है और मेरे को मिल भी नहीं रहा था आसानी से। ये देखो, एक कटहल टूट के इसमें गिर चुका है। एक कटहल ये रहा, एक ये रहा, और एक ये फूल आ रहा है, एक बनने वाला है। लेकिन आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी मत ध्यान देना, ये जब आ रहा होगा ये ऐसा नहीं है कि इस पे लगने के बाद आया, ये ग्राफ्ट से पहले ही कटहल वाली टहनी को ही काट के लगाया होगा इन्होंने। बड़ी चालाकी करते हैं, ताकि दिखेगा तो बिकेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फल आई हुई टहनी को ही ग्राफ्ट करते हैं। ग्राफ्ट क्या है? बीज से लगाए हुए तने को ज़मीन पर लगाया हुआ। अब ज़मीन में जो बीज से पौधा लगाया जाता है वो देता है 7-8 साल में फल। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, किसी आए हुए फल की टहनी को यहाँ पर काट करके चिपका दिया जाता है। तो ये इस जॉइंट से ऊपर की जो टहनी है, ये किसी ऐसे कटहल के पेड़ की है जो पूरे तरीके से बना हुआ था। तो ऐसे में क्या होता है कि उसका जीन्स डेवलप हो चुका होता है फल को पैदा करने के लिए। तो ऐसी टहनी को चिपकाने का फ़ायदा यह है कि एक तो जो हमारा पौधा है वो, अगर मान के चलो कोई पौधा 10 साल में फल देने वाला है, तो ग्राफ्टेड पौधा उसका 2.5 से 3 साल में फल दे देगा। तो इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए ग्राफ्ट किया जाता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये पौधा फल दे रहा है। अभी भी ये ड्रम में जाने के बाद कम से कम 1.5 साल लगा देगा फल देने में। तो फिलहाल देखते हैं कि कितने समय में फल देता है ड्रम में और कैसा फल देता है। अब दूसरी बात आती है कि इसको आज मैं लगाऊंगा इस 100 लीटर के ड्रम में। इस 100 लीटर के ड्रम में मैंने बराबर मात्रा में गोबर की खाद पूरे तरीके से सड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो मेरे पौधे की जड़ों को वो गला देगी। तो और अगर आपको पूरे तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं मिल रही, तो आप क्या करना, वर्मी कंपोस्ट मिला लेना, पत्तों की खाद मिला लेना, या किचन वेस्ट मिला लेना। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता तो बालू मिट्टी 60% और उसमें 40% रेतली मिट्टी मिला लेना। दोनों एक ही बात बोल दी मैंने, सॉरी, 60% रेतली मिट्टी और 40% चिकनी मिट्टी, या फिर कुछ लाल लाल सी मिट्टी मिल जाए किसी गार्डन में तो वो ले लेना, वो भी बेस्ट होती है। अब बात करते हैं कि जो ड्रम है, ये जो ड्रम मैंने भरा है ये सेम इसी तरह का ड्रम है। इसमें देखो काफ़ी सारे मात्रा में आपको छेद दिखाई दे रहे होंगे नीचे, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ड्रेनेज होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी ड्रेनेज ढंग का नहीं होगा तो वो पौधे की जड़ों को डिस्टर्ब करेगा। अब आप देख रहे हो कि ये जो बड़े गड्ढे हैं, ये आप, मैंने तो ड्रिल की मदद से किए हैं। अगर आप पे नहीं है तो आप कुछ भी लोहे का पाइप वगैरह जला के उससे कर लेना, और छोटे वाले छेंक भी करना। जितना ज़्यादा छेंक होंगे उतने ज़्यादा सही रहेगा। अब ये जो बड़े छेंक हैं इसमें से मिट्टी बाहर आ जाएगी, तो ऐसे छेंक को कवर करने के लिए मैंने जाली के अंदर लैंटर वाले पत्थर ले रखे हैं, वो रखना अंदर से। और उसी तरीके का सेम प्रोसेस मैंने इस ड्रम में कर रखा है। अब वापस से आते हैं पौधे पे। जब भी हम किसी पौधे को शिफ्ट करेंगे तो उसके लिए इस ग्रो बैग को या जो भी गमला होगा उसको काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि कोई जड़ किसी छेंक के माध्यम से बाहर तो नहीं आ रही, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है तो हम ग्रो बैग को काटेंगे, बड़े प्यार से काटना है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी आपसे कि अगर कोई जड़ बाहर आ रही है तो उस जड़ के एरिए को पहले बड़ा कर लेंगे, क्योंकि अक्सर होता ही है कि जब हम ग्रो बैग को ऐसे खींचते हैं तो वो जड़ फंसी रह जाती है उस छेंक में, और फंसी रहने की वजह से पूरा का पूरा जो हमारा रूट बॉल है ये पौधे का, ये आधा तो उस जड़ की वजह से जो बाहर निकली हुई होती है उस जड़ की वजह से टूट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज देखो जैसे ये एक जड़ फंस रही है, लेकिन ये बहुत माइनर सी है। अगर ये बड़ी होती और मैं झटके से खींचता तो ये इतने सारे एरिया को अलग कर देती। अब दूसरी बात आती है कि ये जो ड्रम मैंने बनाया है, इस ड्रम को इसमें एक कैविटी बना लेना। मैंने इसमें पहले से मिट्टी भर के इसलिए रखी थी ताकि मिट्टी काफ़ी दिनों तक सेट हो जाए नीचे, क्योंकि मिट्टी धीरे धीरे नीचे जाने में समय लगाती है। तो उसको नीचे से, मतलब ताकि वो मिट्टी ना बैठे, इसलिए पहले ही भर के रख लेना। लेकिन उसके बावजूद भी इस पौधे को इस तरीके से लगाना कि ये गमले के लेवल में रहे। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसी बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं इतने लेवल में रखूँगा तो पानी कैसे दूँगा? उसका सिंपल सॉल्यूशन है, शुरू में कुछ दिन आप धीरे धीरे पानी दे लेना। इसके सारे प्रोसेस के पीछे कारण है कि मैं कितना भी इसको
कुछ दिन पहले भर के रख लूँ, ये समय के साथ साथ नीचे होएगा ही होएगा। तो इस प्रोसेस से, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए थोड़ा सा पहले भर के रख लेना, और थोड़ा जब भरो लगाओगे तो लेवल में लगा लेना, ज़्यादा नीचे मत लगाना। सेंटर का ध्यान रखना, कोई भी पौधा हो सेंटर में लगा हुआ ये अच्छा लगता है, और तना सीधा हो इसका भी पूरा ध्यान रखना है। अब यहाँ ये मेरे को सेंटर में भी लग रहा है और सीधा भी लग रहा है, जितना हो सकेगा उतना प्रेस कर दूंगा। अब जैसे कि मैंने इसको ऊपर तक भर दिया है, तो अगर मैं ज़्यादा पानी दूंगा तो मेरी मिट्टी नीचे गिरेगी, तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, कुछ दिनों तक थोड़ा ही पानी दूंगा, और जब भी पौधा लगाएं तो उसके आसपास की मिट्टी को पूरे तरीके से इतना गीला ज़रूर कर दें कि जड़ों में जो नमी है वो नीचे की मिट्टी ना सोख ले। ऐसा होगा तो जड़ें पौधे की नमी को चूसना शुरू कर देगी और पौधा हमारा ऊपर से जलना शुरू हो जाएगा। और पौधा लगाएं तो ऊपर से भी नहला दें, पौधे को अच्छा महसूस होता है। और पौधे के कभी भी लगाएं या उसकी शिफ्टिंग करें तो बरसात में या बसंत ऋतु में ही करें। बसंत बोले तो आधी फरवरी से लेके अप्रैल के एंड तक बसंत ऋतु बढ़िया चलती है, उसके बाद सितंबर से अगस्त से लेकर के आप अक्टूबर तक, दिवाली तक कभी भी करें, ये दो मौसम इस काम के लिए बेस्ट रहते हैं। अब ये हमारा पौधा शिफ्ट हो चुका है, अब जब भी इसमें समय के अनुसार फल लगेंगे, जो कि जल्दी नहीं लगेंगे, कम से कम एक डेढ़ साल लगेगा, उस अपडेट को बताने के लिए मेरे को भी आपको समय लगेगा, तब तक का इंतजार करें। और ये वीडियो अगर आपको सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी ज़रूरतमंद के साथ, जिसको आपको लगता हो कि इसकी ज़रूरत है, उसके साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।